देखिए, सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि उसका नाम है राजेश जायसवाल करके उसका नाम है, और उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया सोशल मीडिया के ज़रिए। वो अपने आईडी फेसबुक आईडी चेंज कर करके उसने सबको, जितने भी मेरे जानकार थे, रिलेटिव थे या मेरे फैंस थे या जो भी कोई मेरे एफबी से जुड़े हुए लोग थे, सबको उठ पटांग उनके मैसेंजरों पे मैसेज भेजना, शुभी जी पता नहीं, मतलब उसने इस टाइप की बातें वो लिखी हैं जो मैं अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ। जबकि राजेश जायसवाल नाम के आदमी को ना ही मैंने कभी देखा है, ना ही मैं कभी उससे मिली हूँ, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ कि कौन है। तो कुछ ये 2017 में उसने स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में अवॉइड किया कि चलो कोई बात नहीं, कोई फ़ैन होगा, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। बट इतना टू मच हो गया था, अगर मैं उसके खिलाफ स्टेप नहीं उठाती तो आज वो मुझे परेशान कर रहा है, कल वो किसी और को हरेस्ट करता। तो ये टॉर्चर नेस वो पता नहीं किस किस किन किन लड़कियों के साथ में क्या क्या उनके बारे में लिखता होगा, क्या करता होगा, क्योंकि इस बारे में मुझे नहीं पता। बट वो मुझे जब इतना परेशान कर सकता है तो वो आदमी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर मैं अभी ये स्टेप नहीं उठाती, मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करवाती नहीं, तो आगे जाके हो सकता था कि वो किसी और को भी परेशान करता, उसकी हिम्मत और बढ़ती। जो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ऐसे आदमियों की हिम्मत हम लोग उनको बढ़ावा दें, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट की उस आदमी के खिलाफ की, ताकि अगर वो ऐसे काम कर रहा है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है, शायद मैं नहीं होती, कोई और होती लड़की, तो वो कुछ भी स्टेप उठा सकती थी। देखिए, मैं इस चीज़ के लिए तहे दिल से मुंबई पुलिस को धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि उन्होंने जैसे मैंने कंप्लेंट कराई, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया, और उनका मतलब वो भी उन्होंने पूरे हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने इस सिचुएशन को समझा कि मैं कितनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, टॉर्चर हो चुकी हूँ। उन्होंने, मुंबई पुलिस ने फटाफट एक्शन लिया और उस इंसान को, वो वाराणसी में कोई शूटिंग कर रहा था, वहाँ से उसको उन्होंने पकड़ा और बॉम्बे लेके आए, और अभी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चल रही है जो की जानी चाहिए थी। मुझे उसके बारे में बस मुझे इसीलिए पता है कि इस नाम का बंदा है, उसकी वॉइस भी उसने कई मैसेंजरों पर, जो मेरी सिस्टर हैं दुबई में उनको भी उन्होंने मैसेज पे काफ़ी सारी चीज़ें भेजी है कि नहीं, मैं शुभी जी को बदनाम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनसे शादी करनी है। तो आप शादी करने के लिए आप मतलब किसी से भी, पहले बात आप शादी का ऑफर सोच भी कैसे हो सकता है, किसी इच्छा नहीं है या आप उसको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। और अगर कोई मान लो किसी इंसान को, मैं अपनी बात नहीं कर रही, जनरली बात कर रही, कोई किसको प्यार भी करे तो वो क्या ऐसे हरेस्ट किसी को करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ तो उसने इतना ज़्यादा चीज़ें की, राजेश जायसवाल ने, जिसको मैं कभी जानती नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ, उसने ऐसा क्यों किया, यही तो मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्यों, और मेरे साथ ऐसा क्यों वो कर रहा है। तो इसी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, मुंबई पुलिस बहुत सख्त मतलब पेश आ रही है कि ताकि ये सब रीजन सामने आए कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, एक साल से वो ये चीजें कर रहा है। देखिए, ये चीज़ है कि उसने एडिट किया है वो फोटो, जो मेरी फोटो एक थी मेरी मॉम के साथ में, उसने क्या किया है, वो फोटो एडिट करके खुद वहाँ पे आ गया है। एक फंक्शन का फोटो है, उसमें मैं अपनी मॉम के साथ खड़ी हूँ, उसने वो एडिट किया और वो मम्मी की जगह खुद है, जबकि उस फोटो को कोई भी देखेगा तो मॉम की उसमें से साड़ी भी दिख रही है, सब कुछ चीज़ पता चल रहा है कि वो एडिट फोटो है। मेरी सिस्टर के साथ फोटो है, वो भी उसने एडिट करके खुद का फोटो लगा रहा है, और फालतू की बात है, वो खुद, उसके पास पैसा है नहीं है, क्या नहीं है, वो ये आरोप कर रहा है कि मैं उसके पैसे लेके भागी हूँ। मैं आज भोजपुरी की सुपरस्टार हूँ, मेरे खुद के पास इतना पैसा है कि मैं क्यों किसी का पैसा लूँगी, जबकि हम लोग तो देते और हैं, हम लोग एनजीओ में काफ़ी हेल्प भी करते हैं पैसों से लेके। और उस आदमी ने ऐसे से इल्ज़ाम लगा रहा था मेरे ऊपर जो मुझे टॉलरेट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने एक्शन उठाया। तो मैंने उस इंसान से, पैसे तो दूर की बात है, मैंने उसकी भी शक्ल नहीं देखी। अरेस्ट हो चुकी थी, एक साल से मैं सोचती कि कौन है आदमी, मतलब गंदे गंदे मैसेज अपलोड करना, कुछ भी लिख के मेरी सिंगल फोटो के साथ में कुछ भी अपलोड करना, तो जो कोई, जो इंसान ऐसा है ही नहीं, आप उसके बारे में कैसे लिख सकते हो। सोशल मीडिया एक अच्छा मैसेज सेंड करने के लिए होता है, ना कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो। जो इंसान वैसा है नहीं, उसके बारे में भी आप उल्टा बोल रहे हो, आप चीज़ें कर रहे हो। तो इसलिए मैंने सख्त एक्शन लिया और वो आज पुलिस की गिरफ्तार है और वो पुलिस की हिरासत में है, जो होना चाहिए था। और ऐसे मुलजिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि यही है कि अगर मैंने आज ये स्टेप उठाया तो मैं चाहूँगी जितनी भी देश की हमारी औरतें हैं, बहनें हैं, अगर कुछ भी गलत उनके साथ में हो तो पुलिस हमारे साथ में है, हमारा प्रशासन हमारे साथ में है, तो हमारा पूरा देश साथ में है। तो आप लोग भी स्टेप उठाइए, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसकी खिलाफत कीजिए।